तो ये कुछ रीजंस हैं इन गाड़ियों के पीछे जिस वजह से ये गाड़ियां जो हैं सेल नहीं हो रही है इंडियन मार्केट में। कुछ ने जो है अपग्रेड ही नहीं किया तीन तीन चार चार साल से। तो इस गाड़ी की जो सेल है वही सबसे ज्यादा जो खाई है वो खाई है ह्युंडई एक्स्टर और टाटा पंच ने। तो ये सेगमेंट तो ऑलमोस्ट खत्म है जिस वजह से क्या लोग इस सेगमेंट पे ही नहीं जा रहे। बहुत कम लोगों ने इस गाड़ी का नाम सुना होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो एक पूरा जोर लगाया कंपनी ने और काफी इसका प्रचार काफी हाइप इस गाड़ी की बनाई, लेकिन लोगों को ये फिर ओवर प्राइज लगी जिस वजह से ये गाड़ी जो है सेल नहीं हो रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बनाएंगे, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी जानी मानी कार्स हैं जिनको मतलब काफी टाइम हो चुका है और उसके बाद में भी लोग उनको नहीं खरीदते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि उनको लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसी बहुत सारी कार्स हैं इसमें, तो हम जो है कुछ गिनी चुनी कारों के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो शुरू करेंगे पहले अपना ये वीडियो और बात करेंगे कि भाई क्या क्या रीजंस है, किस वजह से इन कार्स पे लोग जाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल नकार देते हैं। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इन कारों को खरीदते हैं। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोडा की कुसाक और फॉक्सवैगन की टाइगन। दोनों ऑलमोस्ट सेम कार हैं, दोनों में सेम इंजन आपको मिलेगा। तो इस गाड़ियों में जो इंजन मिलेगा आपको एक 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है TSI, जिसमें क्या 85 किलोवाट की पावर मिल जाती है। और दूसरा मिलता है 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन, तो इसमें भी आपको जो है 110 किलोवाट की पावर मिलती है। दोनों ही पेट्रोल इंजन मिलते हैं इसमें। तो स्कोडा की कुसाक का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो होता है 11,89,000 से स्टार्टिंग है ये तो। और दूसरी जो है फॉक्सवैगन की, उसका प्राइस स्टार्ट होता है 11,70,000 से, लेकिन अभी उन्होंने डिस्काउंट चला रखा है तो वो 11 लाख कर रखा है उन्होंने, जिससे कि उसकी सेल थोड़ी सी अभी आने वाले महीनों में बढ़ गई है, वरना बहुत डाउन सेल है इन दोनों गाड़ियों की। जबकि इनके अगर हम दूसरी राइवल्स गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो उनकी सेल इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा सेल है उनकी इवन दो। बट इन गाड़ियों का पता नहीं लोग जो है बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऑल दो अगर इन गाड़ियों की बात करें तो भाई इंजन बहुत रिलायबल है और इनकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो टॉप पे हैं ये सेफ्टी में ये दोनों गाड़ियाँ। लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें भाई इनके मेंटेनेंस कॉस्ट की, थोड़ी अभी पहले से कम हो गई है जो इनके सर्विस चार्ज है, और जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट फिर भी दूसरी गाड़ियों के कंपेयर में ज़्यादा है पड़ती है, जिस वजह से लोग जो इन कंपनियों पर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनको वो फील्स नहीं मिलती, वो फीचर्स इसमें नहीं मिल पाते हैं इस प्राइस रेंज में जो दूसरी गाड़ियाँ इस प्राइस रेंज में दे देती हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे रीजन है जिनकी वजह से क्या लोग इन पे नहीं जाना पसंद कर रहे और वो दूसरी गाड़ियों पे चले जाते हैं। अगर आप सेल्टोस की बात करो, क्रेटा की बात करो, ग्रैंड विटारा की बात करो, तो वो दवा के सेल हो रही है और वहीं पे ये गाड़ियों की सेल डे बाई डे डाउन हो रही है। अभी हाल फिलहाल के महीनों में तो 1,000-1,100 के आसपास ही सेल इनकी घूम रही है। इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई अगली गाड़ी यहाँ पे है रेनो की काइगर। काफ़ी टाइम से मार्केट में है लेकिन कोई भी अपग्रेड इस पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें जो है आपको 1 लीटर एनर्जी इंजन मिलता है, 1 लीटर टर्बो इंजन मिल जाता है। इस गाड़ी का प्राइस 6 लाख से स्टार्ट होता है। कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में ये गाड़ी आती है। लेकिन सेल की अगर इस गाड़ी की बात करें तो भी सेल इस गाड़ी की भी बहुत डाउन है। उसका रीजन है कि इसमें कोई अपग्रेड नहीं हो रहा है, जबकि इसकी राइवल अगर हम मान के चले तो मैग्नाइट सबसे बेस्ट इसकी राइवल कार है, जिसकी सेल फिर भी 2800-2700 यूनिट सेल हो रही है पर मंथ। लेकिन इस गाड़ी की यूनिट जो है बहुत कम सेल हो रही है आज की डेट में, और रेनो की तरफ से लग भी नहीं रहा कि कुछ इसमें वो चेंज करके ला रहे हैं या फिर इसका कोई फेसलिफ्ट वगैरह वो शायद आगे लॉन्च करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है। और कोई अपग्रेड इसमें हमें देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो इस गाड़ी की जो सेल है वही सबसे ज़्यादा जो खाई है वो खाई है ह्युंडई एक्स्टर और टाटा पंच ने, क्योंकि लोग उधर मूव हो रहे हैं और उसमें आपको 1.2 लीटर इंजन मिल रहा है लोगों को, तो लोग भी अब दिमाग से काम लेते हैं और वो उधर की तरफ मूव होते जा रहे हैं। चाहे आप मैग्नाइट की बात करो, मैग्नाइट की भी सेल अगर हम बात करें तो उतनी अच्छी नहीं बोल सकते, एक ही गाड़ी है उनकी और वही सेल खींच रही है जो भी खींच रही है, 2700-2800 यूनिट के आसपास उसकी हर महीने सेल हो रही है। लेकिन काइगर बिल्कुल जमीन पर आके गिर गई है इस टाइम पे। इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई वो मैंने यहाँ पे ली है रेनो की क्विड। ये गाड़ी भी एक टाइम पे काफी अच्छी सेल करती थी, 1 लीटर इंजन के साथ में ये गाड़ी मिलती है मार्केट में और प्राइस भी काफी लो है अगर हम कंपेयर करते हैं भाई औरों से। तो एल्टो का राइवल ये है,
एल्टो को टक्कर देती थी, लेकिन सेल में ये भी काफी डाउन हो गई है आज की डेट में। बहुत कम यूनिट इस गाड़ी की सेल हो रही है हर महीने। तो इसका जो मेन रीजन है भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अभी जाना पसंद कर रहे हैं, जो इस बजट में जाना पसंद कर रहे हैं वो जाते हैं ज्यादातर वैगन आर, उनका ऑप्शन आ जाता है, सेलेरियो ऑप्शन आता है उनके सामने, उनके सामने एस्प्रेसो है, उनके सामने एल्टो के टेन है। तो वो लोग जो है उन गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहे हैं, ना कि क्विड को बिल्कुल ही उन्होंने जो है छोड़ दिया है। और इस गाड़ी में भी कोई अपग्रेड अभी बहुत टाइम से देखने को नहीं मिला है, तो एक ये बड़ा रीजन है इस गाड़ी की भी सेल डाउन होने का। अब अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा भाई Hyundai Alcazar। काफी टाइम से ये गाड़ी मार्केट में है, इसमें 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिलता है और दूसरा 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन मिलता है। तो जो ये डीजल वाला इंजन है सेम वही है जो आपको क्रेटा में मिलता है। तो इस गाड़ी की सेल भी जो है बहुत कम है, लगभग आप मान के चलो 1300-1400 इसके आसपास की यूनिट इसकी गाड़ी की सेल होती है, बहुत ज़्यादा यूनिट इस गाड़ी की सेल नहीं हो रही है। और इसका जो मेन रीजन है भाई, ये 7 सीटर में ये गाड़ी आती है, लेकिन प्राइस जो है इसका काफ़ी हाई कर रखा है। उस प्राइस रेंज में जो है वहाँ पे टाटा सफारी लोगों के सामने ऑप्शन है, स्कॉर्पियो एन ऑप्शन है 7 सीटर में, और XUV 700 भी ऑप्शन है। तो लोग उधर मूव हो रहे हैं, ना कि Alcazar पे जा रहे हैं। और फिर इसमें 1.5 लीटर इंजन मिल रहा है, चाहे आप पेट्रोल पे जा रहे हो चाहे डीजल पे जा रहे हो, उसमें आपको 2 लीटर इंजन का ऑप्शन है, 2.2 लीटर इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ पे जो है इंजन का साइज भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो जिनको भी 7 सीटर गाड़ी चाहिए होती है भाई, वो उधर मूव हो जाते हैं, इस गाड़ी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये रीजन है मेन इस गाड़ी का, जो है प्राइस काफ़ी हाई है। अब इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई ये वैसे जो सेगमेंट है, सेगमेंट ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसमें बहुत कम सेल है। ये है सेडान सेगमेंट की गाड़ी, तो ये है मारुति सुजुकी की सियाज। 9,40,000 से इसका प्राइस स्टार्ट है बेस वेरिएंट का, और इसकी जो यूनिट है वो भी बहुत कम सेल हो रही है। 1.5 लीटर इसमें पेट्रोल इंजन मिल जाता है, और इसकी जो यूनिट सेल हो रही है महीने की 400 के आसपास घूम रही है, 450-450 ऐसे ये यूनिट इस गाड़ी की सेल हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि मारुति गाड़ियों की यूनिट भी इस तरह से सेल हो सकती है इंडिया के अंदर, जबकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ सेल करने वाली कंपनी है मारुति सुजुकी। तो ये सेगमेंट तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, जिस वजह से क्या लोग इस सेगमेंट पे ही नहीं जा रहे, और इस सेगमेंट में और भी कई सारी गाड़ियाँ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उन पे भी लोग बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये गाड़ी भी एक बिल्कुल लो सेल कर रही है आज की डेट में। इसके बाद बात करते हैं भाई अगली गाड़ी, तो वो है होंडा सिटी। ये गाड़ी भी आज की डेट में बहुत कम सेल कर रही है, और एक टाइम था होंडा सिटी का भाई, इस गाड़ी का जवाब नहीं था, लोग तरसते थे कि भाई मेरे पास होंडा सिटी होनी चाहिए। जो प्रीमियमनेस इस गाड़ियों में मिलती थी, अभी भी मिलती है विंडो, लेकिन मैंने वही बोला सेडान सेगमेंट ही आज की डेट में बहुत कम सेल हो रहा है, उस रीजन से ही इन गाड़ियों की सेल जो है बहुत लो हो चुकी है। बोल दो अगर हम बात करें भाई Hyundai की, वरना वो भी थोड़ी बहुत फिर भी सेल हो रही है आज की डेट में, लेकिन अगर सिटी की बात करें तो भाई इसकी यूनिट भी बहुत कम सेल हो रही है आज की डेट में। 1100-1100 के आसपास इसकी यूनिट जो है केवल सेल हो रही है। इसमें भी आपको जो है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करता है 121 PS की, लेकिन उसके बाद भी इस गाड़ी की सेल ज़्यादा नहीं है, और लगभग 12 लाख के आसपास से इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है बेस वेरिएंट का। तो ये सेगमेंट में जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो कम ही सेल होंगी। तो आने वाले टाइम में लगता है मुझे भाई ये सेगमेंट मुझे लगता है बिल्कुल टोटली ख़त्म ही कर देंगी कंपनियाँ, क्योंकि आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा कि कोई और कंपनी जो है वो इस सेगमेंट को बना रही है। इस सेगमेंट में सेल बहुत कम हो चुकी है क्योंकि। इसके बाद भाई अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो यह है Hyundai की Tucson। तो भाई इस गाड़ी की जो सेल है वो भी बहुत कम हो रही है। इस गाड़ी की सेल इतनी कम है कि 200-300 यूनिट के आसपास सेल हो रही है इस गाड़ी की, और 2 लीटर इसमें पेट्रोल इंजन मिलता है, 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, काफ़ी पावरफुल इंजन इसमें आपको मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस जो है इसका वो रखा है 29 लाख स्टार्टिंग प्राइस Hyundai ने। तो जिसकी वजह से जो है लोग उस बजट में नहीं जाना पसंद करते, उस बजट में जाते हैं तो फिर उनके पास दूसरे ऑप्शंस है, वो उधर की तरफ मूव हो जाते हैं, ना कि इसकी तरफ जा रहे हैं। तो एक ये बड़ा रीजन है इसका। इसके बाद जो अगली गाड़ी की बात करूंगा वो भाई एक Volkswagen ने एक गाड़ी निकाली थी Tiguan करके। बहुत कम लोगों ने इस गाड़ी का नाम सुना होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस गाड़ी के बारे में जानते हैं, और इसकी यूनिट सेल हो रही है 100-150-200 इतनी हर महीने, और प्राइस इस गाड़ी का भी काफ़ी हाई है, जिस वजह से ये गाड़ी भी जो बिल्कुल भी लिस्ट से बाहर है। इसकी सेल बहुत कम हो चुकी है। 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, पावर काफ़ी अच्छी जनरेट करता है, लेकिन जो प्राइस रखा है वो रखा है 35 लाख रुपए। तो उस प्राइस रेंज में लोग ना
दूसरी तरफ चले जाते हैं, फॉर्चूनर पे जाते हैं या फिर और कंपनीज है बहुत सारी, वो उधर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो प्राइस ऐसा है, वो बिल्कुल अपर क्लास वाले जाके ही उस प्राइस में गाड़ी लेते हैं, बहुत कम गाड़ियां उस प्राइस रेंज में सेल होती हैं, तो वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो दूसरी कंपनी में मूव कर जाते हैं। इसको बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिया। और जी सेम हाल है अगली गाड़ी जो मैं बात कर रहा हूँ, टोयोटा की हाइलक्स का। भाई 30,40,000 से ये स्टार्ट हुई है, बहुत कॉस्टली पड़ जाती है लोगों को, जिसकी वजह से जो है लोग इस पर जाना पसंद नहीं करते। 4x4 में ये गाड़ी मिलती है, यूनिट इसकी भी बहुत कम सेल हो रही है। अगर हम देखें तो 200-300 के बीच में ही इसकी यूनिट जो है सेल हो रही है। 2.8 लीटर इसमें जो है आपको डीजल इंजन मिल जाता है, काफ़ी पावरफुल, लेकिन प्राइस जो है वो काफ़ी हाई है, तो वही दिक्कत हो जाती है। उस सेगमेंट पे लोग जाना पसंद नहीं करते, उसकी जगह फिर थार पे चले जाते हैं लोग सीधा, और थार की सेल उसी वजह से बढ़ रही है। अब भाई जिस गाड़ी की मैं बात करने वाला हूँ, ये गाड़ी को टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है मार्केट में, लेकिन जिस कंपनी की ये गाड़ी है उस कंपनी ने जो है सबसे ज़्यादा सेल करती है, मारुति सुजुकी, और गाड़ी उसकी मैं बात कर रहा हूँ जिम्नी की। भाई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन महाफ्लॉप गाड़ी ये भी हो गई है आज की डेट में, लोग इसको भी खरीदना पसंद नहीं कर रहे। इवन दो पहले ये 12,74,000 की प्राइस में स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग प्राइस इसका ये था, और उसके बाद में फिर 3 या 4 महीने के बाद इसका प्राइस कंपनी डाउन करती है काफ़ी, उसके बाद में भी इसकी जो है ज़्यादा यूनिट सेल नहीं हो पाती है। तो एक पूरा जोर लगाया कंपनी ने और काफ़ी इसका प्रचार, काफ़ी हाइप इस गाड़ी की बनाई, लेकिन लोगों को ये फिर ओवर प्राइज लगी, जिस वजह से ये गाड़ी जो है सेल नहीं हो रही है। ऑल्दो ये वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी का, लेकिन इंडिया में आके फेल हो चुका है। तो फेल होने का मेन रीज़न है इसका प्राइस, और आप खुद सोच सकते हो अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है और 2 लाख रुपए उसका कम कर दिया जाए 2 या 3 महीने बाद, तो आपको भी बुरा लगेगा वहाँ पे, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी बुरा लगेगा जिन्होंने ऑलरेडी महंगे प्राइस में खरीद ली है। तो ये एक बड़ी मतलब गलती भी रही है, प्राइस इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था अगर आपको चलाना है तो, या फिर आप पहले से ही कम प्राइस में उसको लॉन्च करते सो दैट जो लोगों ने खरीदी उनको भी रिग्रेट फील नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है इस गाड़ी के साथ हुई, जिसकी वजह से इसकी सेल जो है बहुत कम है और लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं इस पर, क्योंकि उस प्राइस रेंज में उनके पास थार का ऑप्शन आने लगता है और लोग थार की तरफ मूव हो जाते हैं। हाइट वाइज भी थार इससे ज़्यादा बेटर है, और अगर हम बात करें अंदर से स्पेसेस की, ऑल्दो थार अभी 3 डोर्स में आती है और ये 5 डोर में दी थी, लेकिन रियर सीट फिर भी इसकी जो है काफ़ी कंजेस्टेड बनाई गई थी, जिससे क्या लोगों को इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं आई। इसके अलावा और बहुत सारी कारें हैं, जैसे क्या सिलेविया हो गई, वर्चस हो गई, या फिर MG की एस्टर हो गई, टोयोटा की रूमियन हो गई, MG ग्लोस्टर हो गई, ये सब गाड़ियाँ बहुत कम सेल कर रही हैं। मारुति सुजुकी की इन्विक्टो हो गई, इन्विक्टो और हाई क्रॉस इन दोनों का जो अलग सीन हो रखा है, क्योंकि इनोवा पहले से मार्केट में अपना एक नाम बना चुकी है, इन्विक्टो नया प्रोडक्ट आया, चाहे सेम चीज़ मिल रही है लेकिन लोग का विश्वास अभी भी इनोवा पे ही रहेगा, तो यहाँ पे जो है इन्विक्टो को लोग नहीं खरीदना पसंद कर रहे। सेम हो रहा है जो अर्टिगा और टोयोटा की रूमियन के साथ हो रहा है, तो उसके साथ भी सेम सीन हो रहा है, क्योंकि अर्टिगा का जो नाम अभी मार्केट में बन चुका है वो उसका नहीं है, तो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। या फिर आप बात कर लो भाई जीप की कंपास या जीप मेरिडियन, इन गाड़ियों की सेल भी बिल्कुल कम है, और आप सोच सकते हो जीप कितने टाइम से इंडिया में है, या फोक्सवैगन कितने टाइम से है, स्कोडा कितने टाइम से है, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ियां जो है सेल नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां ना जो अपना इंडियन मार्केट है कार मार्केट, उसको अभी तक भी पूरा शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या तो या फिर जो प्राइस रेंज है इनकी कहीं हाई है, जो ज़्यादा कार खरीदने वाले लोग हैं वो उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाते या उस प्राइस रेंज तक नहीं पहुंचता है उनका बजट, जिस वजह से इन गाड़ियों की सेल काफ़ी कम है, जबकि वहीं पे दूसरी गाड़ियों की सेल काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये कुछ रीजंस हैं इन गाड़ियों के पीछे जिस वजह से ये गाड़ियां जो हैं सेल नहीं हो रही है इंडियन मार्केट में। कुछ ने जो है अपग्रेड ही नहीं किया 3-3, 4-4 साल से, कोई उसका मतलब पता ही नहीं है कंपनी में ये गाड़ी है भी या नहीं है, उसका कोई एडवर्टाइज भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आज की डेट में जो है थोड़ा एडवर्टाइजमेंट ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हो गई हैं भाई। तो ये कुछ गाड़ियां हैं जो बहुत कम सेल कर रही हैं और लोग बिल्कुल भी इन पर जाना पसंद नहीं करते हैं आज की डेट में, बिल्कुल इन गाड़ियों पर नहीं जा रहे हैं, बहुत कम सेल इन गाड़ियों की हो रही है इंडियन मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आगे ऐसे वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव आते रहेंगे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।